आईकाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम जहाँ जहाँ पर भी मेरी आवाज़ आ रही है। अभी जो सुन रहे हैं लाइव, वो सब भी जो ऑफलाइन सुन रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से सलाम, और जो बाद में मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम। और थोड़ा सा वो चीज़ें अपसेट हो रही हैं, मुझे थोड़ा सा चेकिंग करनी पड़ रही थी, अब सहरेंगे आप, तो मैं सेट करने की कोशिश कर रहा था अपने माइक को, क्योंकि पेंडू बंदा कोई नवी शह लै लवे ना तो फिर उन छेड़ता ही रहता है रोज़ आए दिन। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई बॉर न्यू लैपटॉप, सो आई एम ट्राइंग टू शेयर इट अप, लेकिन वो माइक के साथ थोड़ी सी अभी तक मेरी और उसकी कोई जो है ना सेटिंग नहीं बन रही, वो मेरे से नाराज़ रहता है, मैं उससे नाराज़ रहता हूँ। तो बहर ट्राई कर रहे हैं, कोशिश तो है, ठीक है। आप कहने ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करते ही उन्होंने कमेंट ये किया है कि आपसे सब नाराज रहते हैं, क्या बात है। इस बात का कुछ सलूशन निकालना चाहिए, किस दिन मैं सोच रहा हूँ इस पे भी कोई बात करूँ कि नाराज़गियाँ दूर कैसे की जाती हैं और क्या तरीकाकार है। आप मुझे टीच करें ना ज़रा, तो फिर मुझे पता चल जाए मैं लोगों की नाराज़गियाँ दूर कर सकता हूँ। एनी वेज जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑल राइट, मैं आज आप लोगों को बिल्कुल ज़्यादा देर दिमाग नहीं खाने वाला, लेकिन थोड़ी देर में मैंने आज आपका दिमाग ज़्यादा खाना है, क्योंकि आज मैं सोच रहा था किस चीज़ पर बात की जाए, क्योंकि फिर सोचते सोचते मैं दिल की एक बीमारी पर बात की जाए। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं ना जिस दुनिया में, बेशुमार बीमारियाँ होती हैं, किसी को मलेरिया होता है, किसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, टेम्परेचर, फ्लू, लटरम पटरम, पता नहीं कड़ी कड़ी बीमारियाँ लगियाँ रहियाँ ने, सो मैनी बीमारीज। सो आज के दिन में आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट टिपिकल बीमारी, दैट बीमारी इज लवेरिया। सो आई एम गोना टॉक अबाउट लवेरिया, व्हाट यू गाइस से। थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम। और मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी आपको तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप लवेरिया पर क्या बात करेंगे, कमाल करती हैं, लाजमी थोड़ी है हर बीमारी हो। लेकिन जैसे आपको टेम्परेचर, ठीक है टेम्परेचर नॉर्मल सारा होता है, कैंसर की एक बीमारी जो है उसके बारे में सारों को ये पता है, कैंसर की एक बीमारी जानलेवा मर्स है, और इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन तो सारे के पास ही होती है, ABCD सारे नहीं पड़ी होती है कि एक्चुअली ये बीमारी करती क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसका इवेंचुअली आउटकम क्या आती है और इसके कॉन्सिक्वेंटली आप किधर किस स्टेज पे जाकर एंड अप होते हैं।
तो इसी तरह से लवीरिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता चल चुका हुआ है सुन सुन के, और यहाँ पे आप लोगों के साथ रह रहे के तो बहुत ही तजर्बाकार होता जा रहा हूँ मैं, बड़ा एक्सपीरियंस हो गया हूँ देख देख के ना। बहुत सारे लव बर्ड्स देखने को मिलते हैं मुझे, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी कुछ कभी कुछ, है जी। वेल जी, आप जो मर्जी कहें, जितना मर्जी मुझे रोकने की कोशिश करें, बट आई एम स्टिल गोइंग टू टॉक अबाउट लवेरिया। लवेरिया पे बात करेंगे कि लव मलेरिया की किस्म होती है जी, मच्छर ने काटा होता है, जैसे मच्छर काट जाए, और मच्छर भी स्पेशल किस्म का होता है वो, है जी, वो काट जाए तो उसके बाद मलेरिया हो जाता है। वो स्पेशल किस्म का मच्छर होता है ना, वो चूजन वन होता है। बहुत सारे मच्छर तो बहुत सारे होते हैं ना, बेशुमार मच्छर फिर रहे होते हैं, उनमें से कोई एक चूजन वन होता है जो आके जब आपको काट जाता है तो उसके बाद जो बीमारी होती है वो बीमारी कहलाती है मलेरिया। इसी तरह से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के होते हैं, उनमें से कोई एक जब आपको आके डस ले तो वो जो बीमारी इवेंचुअली उसके बाद आप पे जाहिर होती है उसे कहते हैं लवेरिया। और मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में एक होता है आपकी बॉडी जो है ना शेक करती रहती है, आप कांपते रहते हैं, घबराए घबराए, आपको बिला वजह सर्दी लग रही होती है, ऐसे ही गर्मियों से सर्दी लगती है। लवेरिया भी जैसे हुआ होता है ना, वो भी कुछ इसी तरह के उसके हालात होते हैं, उसे भी रात में दिन नज़र आ रहा होता है, दिन में रात नज़र आ रही होती है, खुली आंखों के साथ वो ख्वाब देख रहा होता है, इसी तरह के मामलात नहीं चल रहे होते वैसे। एक्चुअली ना मुझे इसीलिए उन्होंने MBBS नहीं करने दिया, मेरे क्वेश्चन ही ऐसे होते थे, वो उठा उठा के मुझे बाहर फेंकते थे, यार ये किस किस्म के सवाल करते हो यार, तुम कब बड़े हो गए, तुम MBBS करने आए, क्या हरकतें करने आए, उन्होंने निकाल बाहर फेंका। मैं भी क्या जाओ, मैं भी नहीं करता, मैं अपनी जात से बड़ा वड्डा डॉक्टर हूँ, आई डोंट नीड एनी टाइटल, यू नो। स्टिल मैंने नई बीमारी निकाल के देखे, मलेरिया और लवेरिया कैसा कॉम्बिनेशन बना दिया है। सो जी, जिस तरह मलेरिया के सिम्टम जाहिर होते हैं उसी तरह लवेरिया के सिम्टम जाहिर होते हैं, जैसे सर्दी में गर्मी लगना, गर्मी में सर्दी लगना, इसी तरह लवेरिया में भी यही होता है कि सर्दियां होती हैं, फ़ोन कॉल आती है, भागे भागे कुछ भी नहीं पहनते, ना जूती की फिक्र, ना कुछ ऊपर पहनना है, आपने भागे भागे बाहर निकल जाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अंदर कॉल सुन नहीं सकते, और कॉल दोबारा अगर कट गई तो आगे से गालियाँ पड़ सकती हैं, आगे से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो गुस्सा करेगी, बॉयफ्रेंड है तो भी नाराज होगा, यू नो। तो उसमें भी कंडीशन इसी तरह की होती है, ना सर्दी की फिक्र ना गर्मी की फिक्र, और मामला तो इसी तरह के चल रहे होते हैं। और सिचुएशन जो है वो किस तरह की होती है पता है आपको? आज इसके मुताबिक जो है ना सिचुएशन, साथ साथ लवेरिया पे मैं आपको गाने भी सुनाऊंगा, आपने गाने भी सुनने हैं मेरे साथ, ठीक है कि नहीं सुनेंगे? मेरा ख्याल है सुन लेने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। फीलिंग्स है ना जी, फीलिंग्स, आप लड़की हैं या लड़का है, जब आपको पहली पहली बार कोई डस लेती है ना, कोई डस लेता है या डस लेती है, तो उस वक्त मामला कुछ इस तरह का चल रहा होता है, जरा सुने तो सही।
आया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। क्यों दुनिया में आया हूँ, ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। तो जनाब, इस तरह की कोई कैफियत बनती होती है। अभी आपने सुन ही लिया ना, इस तरह के गाने सुने जा रहे होते हैं, वो लड़की है लड़का है, उस तरह के गाने सुन रहे होते हैं और फिर बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं कि यार दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब आई एम फीलिंग लाइक दिस, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि यार फाइनली यार कोई मुझे पसंद आ गया, फाइनली कोई मुझे पसंद आ गया यार। और फिर आप गाना सुनते हैं आंखें बंद करके, हर वक्त यू थिंकिंग अबाउट हर और हिम एंड यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड यार मेरे बारे में उसका क्या ख्याल है, क्या ख्याल नहीं है, और मतलब क्या चल रहा होगा। और यही वो है जो पहले, यही पहले वो लोग हैं जो पता क्या करते हैं, जब भी कभी जब इन्हें कोई पसंद नहीं ना आया होता, उस वक्त किसी के अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए ना इन्हें जो किसी जो ऑलरेडी लवेरिया में मुब्तला हो, तो उसे बातें करते हैं और कहते हैं लाइफ इंजॉय करनी चाहिए, लाइफ ऐसे करना चाहिए, लाइफ को वैसे करना चाहिए। तुम लोग क्या यार एक ही बंदे का साथ स्टिकी हो जाते हो, और ये लोग जो है ये लोग दूसरे को भी कहते हैं छोड़ो यार तुम क्या एक बंदे के चक्कर में या एक बंदी के चक्कर में पड़ गए हो, चेंज योर हैबिट। और इनकी सॉन्ग चॉइसेस पता उस वक्त किस तरह की होती हैं, लेट मी टेल यू, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, इस तरह की सॉन्ग चॉइस होती है उस वक्त इन लोगों की। सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला। ये लोग जो होते हैं ना जी, उस वक्त इस तरह एंजॉयमेंट करने के मूड में होते हैं, वो कहते हैं इसे भी छेड़ो उसे भी छेड़ो, सबके साथ फ्लर्ट करो, फ्लर्ट करते रहो, मौज करो, और इस तरह के सॉन्ग सुन के ना काफ़ी एंजॉय करने के उस चक्कर में फैल रहे होते हैं, फिर इन्हें फिर आगे जाहिर सुनने को मिलती हैं। लेकिन बाहर एक टाइम आता है, हर किसी पर आ ही जाता है इवेंचुअली, जब जो है आप किसी ना किसी से ऐसे खूबसूरत हसीना से टकरा जाते हैं या किसी ऐसे हैंडसम से टकरा जाती हैं कि जिसके बाद जो है ना आप आंखें बंद करती हैं तो उसकी आंखें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और जब उसकी आंखें आपको नज़र आती हैं तो आपकी नींदें जो है ना फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो लवेरिया का सबसे पहला सिम्टम है।
जब आपकी नींदें डिस्टर्ब होने लगें आप समझ जाएं आपको लबेरिया हो रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, इसका कोई डॉक्टर नहीं है, इसका डॉक्टर कोई नहीं है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पागलखाना है। फिर आपको आंखों में उलझे रहना पसंद होता है, सुने तो सही। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभाल मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। आप तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का, कहा मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल हुआ बुरा। ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा सो जी, ये वो मंजिल है जहाँ पे आप फील करते हैं कि अब आप लुट चुके हैं। जब आप लुट चुके हैं, आपको लवेरिया हो गया है, ना आपको दिन की खबर है ना रात की खबर है, आप नंगे पांव भागे फिरते हैं पागलों की तरह। आप सर्दियों में आपको होश नहीं होती, गर्मियों में आपको, वैसे गर्मी ने बेहोश किया होता और उस वक्त खैर माशाल्लाह से लाइट भी नहीं आ रही होती, आपको उस वक्त सीने की भी फिक्र नहीं होती, स्वेटिंग हो रही होती है, बार बार ऐसे पसीना साफ़ करते हैं, फिर टक 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 आपका जो अंगूठा हर वक्त चलता रहता है। ताडे अंगूठे नु भी सलाम है, वैसे अंगूठे किसते नहीं ताडे ने चल चल के। एनीवेज क्या है, जुनून है ना जी, जुनून, जुनून की तो कोई भी कैद नहीं है। एनीवेज जी, अब आपका मामला आगे बढ़ रहे होते हैं, मामलात आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर आप एक दो दफ़ा और इंट्रैक्शन होती है, इंट्रैक्शन होती जाती है, इंट्रैक्शन आपकी ज़्यादा होती है, फिर स्टेज ये आ जाती है कि ये वन साइडेड चल रहा होता है या टू साइडेड चल रहा होता है। अभी मतलब इजहार नहीं हुआ होता, जब इजहार नहीं ना हुआ होता तो उस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही होती है कि आप सोचते रहते हैं 24 घंटे बैठ के, और आप रातों को करवटें बदल रहे होते हैं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, यार वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, और फिर उस वक्त आपके जहन में ना कुछ इस तरह की बातें चल रही होती हैं। देखें ज़रा किस तरह की बातें चल रही होती हैं। आ जावे छेती आ जा, मेरा दिल ना दिखा सोनिए, सजना आ जावे छेती आ जा, सानू गले से लगा सोनिए। कल्या गुजारा दिल ने लगदा, ठंडिया ने बरसाता, फुला दी महक भी उड़ जांदी नी, खो गया मेरा हासा। तो जी, अब आपकी रातों की नींदें उड़ गई होती हैं और फिर आपको नींद नहीं आ रही होती और आप इस तरह के परेशानियों में उलझे रहते हैं। अब वन साइडेड हो रहा होता है, टू साइडेड हो रहा होता है, अब आप अंगूठे चलाएं, टच पैड से चलाएं, डजंट मैटर, बाहर चलना तो आपकी फिंगर्स होती हैं ना जी। टेक्स्ट मैसेजेस चल रहे होते हैं, कभी कुछ चल रहा होता है आपके माइंड पे,
और उसके बाद होता ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के दरमियान में बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, कभी बिला वजह ऐसे ही पागलों की तरह मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, कभी फ्रेंड्स में बैठे बिला वजह आप उदास हो जाते हैं, वो आपको हिला हिला के पूछते हैं क्या हुआ है तुम्हें, बताओ तो सही क्या हुआ लड़कियाँ, तो वो लड़की आगे से रिएक्शन दे रही है नहीं कुछ नहीं। पर कोई क्लोज फ्रेंड होती है उसे बता ही देती है कि यार इतने दिन हो गए हैं उसका उसे मैंने देखा नहीं, इतने दिन हो गए हैं ये नहीं हुआ, इतने दिन हो गए हैं वो नहीं हुआ। लड़के होते हैं, लड़के भी मुंह सुझा के बैठे होते हैं, लड़कों से पूछो क्या हुआ, और छाड़ी यार कुछ नहीं, और बता तो सही यार क्या हुआ, और छोड़ मैं यार बस कुछ नहीं, बता तो सही यार एक लड़की पसंद आई थी, अब वो नज़र ही नहीं आ रही, इतने दिनों से पता नहीं किधर चली गई, आगे से कोई बैठा होता मेरे जैसा यार छाड़, उन्हें तेनू ही देखना छोड़ना, उसके पास और अच्छे लड़के नहीं हैं दुनिया में इतने देखने के लिए, तुम जैसे भी देखेगी यार कम ऑन चिल मारो ना यार, दोस्त छोड़ो तुम किन चक्रों में पड़े हो, तुम्हारे पास का काम नहीं है, ये अच्छे अच्छे हैंडसम हैंडसम लड़कों के काम होते हैं मेरे जैसे। हाँ सही कह रहा हूँ। अच्छा फिर अगर इजहार हो जाए दोनों साइड, बोथ साइड्स आर एग्री, दोनों साइड से एग्रीमेंट तय हो जाता है जी दैट हम दोनों को लवेरिया हो चुका है, तो लड़का है या लड़की है खुशी से जो है ना उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि यार वाकई ऐसा कुछ हो चुका है या नहीं हुआ, तो वो खुशी के साथ ये बातें हो रही होती हैं और हैरानगी से एक दूसरे को सॉन्ग्स डेडिकेट पता किस तरह के हो रहे होते हैं इन फीलिंग्स के साथ, ज़रा सुनें तो सही, वो एक दूसरे को हैरानगी से बता रहे होते हैं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस दुनिया में हो, तुम जैसे भी कोई चीज़ दुनिया में हो सकती है। ओह माय गॉड लवेरिया के कैसे कैसे सिम्पटम्स हैं यार, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी ये सारी चीज़ें देख देख के, पागलों वाली बातें कभी कभी कह रहे होते हैं एक दूसरों से, बड़ा हादसा भी आंदा है। तो जनाब इस तरह की उस वक्त सिचुएशन चल रही होती है, दोनों तरफ आग बराबर लगी होती है, लवेरिया में दोनों कांप रहे होते हैं, मच्छरों ने मिलके एक दूसरे को काट लिया होता है, दोनों लव बाइट्स का शिकार हो चुके होते हैं और किसी डॉक्टर के पास अब उसका इलाज भी नहीं है होता, तो एक दूसरे को जो है ना फैंटेसी में बहुत ज़्यादा ले कर चलते हैं। बट ठीक है यार फैंटेसी में जाना चाहिए, लव इज़ फैंटास्टिक थिंग एक्चुअली, बड़ी अच्छी चीज़ है। आई एम ए बिलीवर, ये नहीं है कि मैं बिलीवर नहीं हूँ, मैं बिलीवर हूँ, लेकिन
हर वक्त फैंटेसी में भी नहीं रहा जा सकता, लेकिन हर वक्त अगर आप फैंटेसी में नहीं रहते तो अगला बंदा या बंदी आपकी जान नहीं छोड़ता। वो ज़ात ज़ात की क्लास होती है ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं, ये है वो है, ये जस्ट ट्राइंग टू टेल हर और टेल हिम कि यार रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि मुझे पढ़ना भी है, मुझे काम भी करना है, मुझे ऑफिस में जाना है, सो मैनी थिंग्स आई हैव टू डू, आई हैव टू मैनेज सो मैनी थिंग्स, बट स्टिल आई मीन द वन यू आर लविंग वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे तलबेरिया हो गया, जिसे बीमारी लग गई है, बीमार का तो हर फिर बात सुननी पड़ती है ना आपको। अब सिचुएशन ये होती है कि जी दोनों को अपना आप जो है ना लग रहा होता है, क्या लग रहा होता है, दोनों को अपना आप हीर रांझा लग रहा होता है। वो बाइट्स वाला लफ्ज़ जो है ना वो गलत सेंस में नहीं लेना आपने, मच्छर भी तो बढ़ देने ना यार, उन्होंने भी तो बाइट ही कहना है, खबरदार बुरी बात, अच्छे अच्छे सोचा करें आप लोग, बहुत बहुत शरारती हैं आप लोग, ऐसी बातें ना किया करें। अच्छा जी, दोनों ही रांझा बने होते हैं जी, डोंट डिस्टर्ब मी, बट ठीक है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन और बात है दोनों ही रांझा बने होते हैं, अब दोनों की फीलिंग्स आगे बढ़ रही होती हैं, किस तरह जरा देखें तो सही, जरा एक दूसरे के बारे में ही रांझा बन के सोच रहे होते हैं, वो कहते तुम हीर हो मेरे लिए, वो कहते तुम रांझा, यार बंदा पूछे वो रांझा किधर तुम किधर, हीर किधर तुम किधर, यार फिर भी बट स्टिल लवेरिया है ना, बीमारी है ना जी, बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और ये ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, इसमें आपको हर तरह की फीलिंग आ सकती है। तू हीर मेरी तू जिस्म मेरा, मैं राजा हूँ लिबास तेरा, जिस्म मेरा मैं राजा हूँ लिबास तेरा, आयो करीब तू छोलू मैं तेरी रूह, बिन तेरे मैं हूँ बेनिशान, समंदर में किनारा तू जो बिखरू तो जी बिल्कुल अच्छा कमेंट किया अभी आप, यह नहीं कहती हैं कि अपना राजा ब्रांड है, लिबास है, सही है सही है, हाँ जी लिबास ही होता है ना जी। अच्छा तो फैंटेसी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ होते हैं लवेरिया के दो पेशेंट्स, बट ठीक है यार लवेरिया बहुत अच्छी चीज़ है, लवेरिया पे बेस करती है दुनिया की सारी, मतलब ईच एंड एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन दिस, प्यार है तो इस दुनिया में खूबसूरती है, प्यार अगर ना हो तो खूबसूरती नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि 24 घंटे फैंटेसी च नहीं रहना चाहिए, तो 24 आवर आप कोकाफ में ना रहा करें, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चला करें ना, और उसमें फिर फ़ायदा ही होता है ना, आप एक दूसरे से झगड़ा झुगड़ा कम करते हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे आपके कम होते हैं, लड़ाइयाँ कम होती हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को आप समझ लेते हैं, लेकिन सब यूजलेस है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों को क्या लग रहा होता है, उन दोनों को कुछ इस तरह का लग रहा होता है, वो ये समझते हैं कि बस ये जो मुझे लड़की मिल गई है हूर है, पता नहीं वो हूर मेकअप कर करके हूर बनी होती है, और लड़की समझ जाती है बस यही लड़का है जो सब कुछ है, अब उस हूर को नहीं पता ये लंगूर क्या चीज़ है, वो लंगूर ही है, बहरहाल प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, उन्हें जन्नतें बहरहाल अपने इर्द गिर्द ही नजर आती है। Oh,
साथ हूँ, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हूँ, तू जो पास हो फिर क्या ये जहाँ, तेरे प्यार में हो जाऊँ समा, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहाँ, तेरे प्यार में हो जाऊँ फना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, जन्नतें मेरे साथ हूँ। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आजकल थेरेपी भी एक आई है, पता है कि वो कहते हैं हंसे, हंसने से आपको बहुत सारी बीमारियों से जान छूट जाती है और बहुत सारे आपके ज़िंदगी के मामला आसान रहते हैं। वैसे भी एग्रेशन कम हो जाता है हंसने से, तो एक दूसरे की ना छोटी छोटी बातों पे हंसते रहते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बात को एंजॉय करते हैं। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हूँ। अच्छा जी, फिर उस वक्त जो लड़के होते हैं ना, स्पेशली लड़के, लड़कों में खैर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लड़के लड़कों के बारे में जनरली एक रिसर्च भी आई है, उसमें ये है कि लड़के बहुत जल्दी किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, जो उन्हें पसंद आ जाए ना लड़की, वो फौरी तौर पर लवीरिया में मुबतला हो जाते हैं। वन साइडेड हो या टू साइडेड हो, इट डजंट मैटर, लेकिन वो फौरी तौर पर स्टार्ट जरूर हो जाते हैं। लड़कियाँ जो होती हैं कदर पेशेंस के साथ चलती होती हैं, बड़े आराम आराम तसली से देख के चलती होती हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं, लड़कियों के बहुत सारे लोग एट अ टाइम लाइन मार रहे होते हैं, तो उन्हें जो चूज़ करना होता है ना जी, ये तो लड़के बेचारे होते हैं जो एक पे टिकटिकी बांधे होते हैं, दूसरी को मुंह नहीं लगा रही होती है, वो भी तरले डाल डाल के, नमाज़ें पढ़ पढ़ के, नफल पढ़ पढ़ के, मन्नतें मान मान के, दोस्तों में बैठ बैठ के, टोटके पूछ के, तरीके पूछ के, कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे बाल छाल बना के, जल छल लगा के, पता नहीं कितनी मेहनतें करते हैं सिर्फ एक लड़की के लिए। तो इसलिए लड़की की तरफ से अगर हल्का सा रिस्पॉन्स आए ना, तो फौरी तौर पर भाग के उस लड़की के साथ जुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं तू ही हमारी ज़िंदगी की मालिक है, बाकी सारी तो कहानियाँ, हाँ जी तू ही मालिक है जिंदगी की। सही कह रहा हूँ। खुशी में तेरे आने की खुशी में वो दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए।
जी सिचुएशन इस तरह की हो रही होती है, एक्साइटमेंट का लेवल काफ़ी हाई हो रहा होता है और फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, आप फील कर रहे होते हैं एक छोटी छोटी बात को और बड़ी स्मूथ किस्म की आपकी लाइफ जा रही होती है और बड़ी स्मूथ आपको लग रहा होता है सारी उम्र अब इसी तरह ही रहना है, सब कुछ इसी तरह ही चलेगा और सब कुछ इसी तरह आपकी लाइफ में चलता रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, लेकिन अगर आप फैंटेसी से बाहर नहीं आते तो बहुत कुछ बदल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि किस तरह से इतनी जल्दी बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो के वक्त आपके हाथ से निकलता जा रहा होता है क्योंकि वक्त को आप कैद नहीं कर सकते और वक्त इसीलिए निकल जाता है आप प्रैक्टिकल हो के सोचते नहीं हैं, आप फैंटसी में रहते हैं। आप दोनों में से किसी एक फर्द को तो सोचना चाहिए ना, आप ज़ाहिर डिवेरिया के पेशेंट है, एक दूसरे को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि यार वो बन जाए कुछ, अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बनना चाहता है, अगर वो एफर्ट करना चाहती है तो लेट हर डू दैट, वो आपके पास ही है ज़ाहिर है, उसने जाना कहा है, कमिट कर दिया आपके साथ, वो और आप फिर साथ ही रहने वाले हैं ना, प्यार का इजहार करते रहना चाहिए, प्यार के साथ चले, लेकिन सपोर्ट करें ना, वक्त को हाथ से ना निकलने दें। हाँ जी, तो आपकी लाइफ में इसी तरह चल रहा होता है, साल दो तीन चार साल पाँच साल लवेरिया में गुजर जाते हैं क्योंकि आप बड़े नॉन प्रैक्टिकल होकर चल रहे होते हैं, फैंटेसी से बाहर नहीं आते, फैंटेसी से बाहर आ करें यार, खुदा का वास्ता फैंटेसी से बाहर आ करें, परियां सिर्फ देखने में परियां लगती हैं लड़कों,
ये परियां उसी वक्त परियां रहती हैं जब तक शादी के बाद भी, इवन पहले भी, जब तक कि आप वेल सेटल्ड हैं। अगर आप वेल सेटल्ड नहीं हैं, ट्रस्ट मी, शादी के बाद यही परियां जो होती हैं, सर के ऊपर इन्होंने दुपट्टा बांधा होता है, हाथ में उन्होंने झाड़ू पकड़ा होता है, आपको भी मारती हैं, आपके बच्चों को भी मारती हैं। तब ये सिचुएशन होती है कि आप दूसरे कोने में और आपका हस्बैंड दूसरे कोने में होता है, क्योंकि बेचारे को डर होता है मैं नेड़े हो आया तो फड़ के मैंने कूटना है, तो बेचारा तो दूर होकर बैठा रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में वेल सेटल्ड, अच्छे तरीके से सेटल हुए हों, कि जब उस परी को आप बिहा के लाएँ तो उसे मलिका की तरह से आप रखें, उसे घर में खाना पकाना अगर वो नहीं करना चाहती, नवाबजादियाँ भी होती हैं एड्डी कोई गाल नहीं, बढ़िया बढ़िया होंदियाँ ने जी, नवाब होंदियाँ, मैं नहीं करूँगी कुकिंग। अब ज़ाहिर है अगर ऐसा आपको लवेरिया किसी ऐसी जगह पर हो गया तो उसके लिए आपको अब खानसामा कुक भी चाहिए। काम वाला तो तसव्वुर ख़त्म कर दो मेरे भाई, अगर तुम सुन रहे हो ना मेरे दोस्त, काम वाला तसव्वुर ख़त्म कर दो। लड़कियां आजकल की काम बिल्कुल भी नहीं करती, ये तो चक्कर ही कोई नहीं है, कुड़ी काम कर दे ना, वो तो उन्होंने करना ही नहीं काम। अब बल्कि ट्रेंड ये सेट हो गया, ओ माय गॉड तुम्हें कुकिंग आती, हाँ तुम्हारे तो हाथ पैर, तुम्हारे चेहरा, ओ माई गॉड, एक दूसरे शेयर कर रही होती हूँ, फल्ला कल मुझे चाय बनानी पड़ गई थी, गेस्ट आए थे, मामा ने कहा वो काम वाली नहीं थी तो मेरी सारी स्किन मुझे ऐसे लग रही है जैसे जल रही है, ये हाल हो गया मेरा। तो ये हालात है मेरे भाई। तो अब फैंटसी में आप जाया करें घंटे दो के लिए, उसके अलावा कोशिश किया करें प्रैक्टिकल लाइफ में रहें, वरना वो जो परी होती है उसे चुड़ैल बनने में टाइम नहीं लगता, वो लवेरिया का भूत जो है ना वो बाहर आ जाता है चेहरे के ऊपर, और लड़की के जब चेहरे के ऊपर लवेरिया का अंदर से भूत निकल के बाहर आता है वो चुड़ैल बन जाती है, लड़के के ऊपर आता है वो जिन बन जाता है, वैसे लड़कों के ऊपर काम नहीं आता है। लड़के मेरे जैसे इनोसेंट शरीफ बेचारे ऐसे सर फेंके होते हैं, क्योंकि उनका तो यकीन सिर्फ प्यार में होता है ना, वो कहते हैं प्यार ही खाएंगे, प्यार ही उड़ेंगे, प्यार ही पहनेंगे, प्यार से ही सो जाएंगे। लड़कियां तो नहीं छोड़ती, उनका तो सूट ही बड़ा महंगा, आजकल के लॉन के डिज़ाइन है, तौबा तौबा तौबा, जुतियाँ अल्लाह माफी, अच्छे अच्छे ब्रांड पहनने पड़ते हैं, मेकअप करवाना है, किसी फंक्शन पे जाना है तो वो आपको पता है पार्लर जाना है, पार्लर में ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, देयर आर सो मैनी थिंग्स। अब आप लवेरिया के पेशेंट हैं और मामला आगे बढ़ रहे होते हैं, मामला आगे बढ़ते बढ़ते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो किसी भी वजह से हुए, जात पात ये वो, फैमिली आप सेटल्ड नहीं है, ऐसे है वैसे है, किसी वजह से भी मामला बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने में कौन सा टाइम लगता है, जब आपके मामला बिगड़ जाते हैं फिर आप एक दूसरे खींचे खींचे रहने लगते हैं, फिर आपके चेहरे पर उदासियाँ आ जाती हैं। वैसे ये भी नहीं होता, समटाइम ऐसे भी होता है, कभी लड़की के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़का बेचारा बेचारा हार जाता है, मनाने की बेशुमार कोशिशें करता है, लड़की मानती नहीं है, लड़की की पता नहीं डिमांड कुछ और होती है, लड़का किस तरह मनाए। अब ये बेचारा अगर लड़का कोई शरीफ बंदा हो ना मेरे जैसा, जिनने ना किसी ने लड़ाया ना किसी ने मनाया, वो तो फांसी जाता है, वो अगर गलती से लवेरी के पेशेंट बन जाए वो सर पकड़ के अपनी जड़ियाँ ना लिम्बा पुटता रहता है, अपने बालों को खींचता है, यार मैं कैसे मनाऊँ तुम्हें, किस तरह से मनाऊँ, बेचारा तरले मिनते डालेगा, माफियाँ मांगेगा, जो वो कर सकता है वो करता है, तो बड़ी मुश्किल से लड़की फिर मानती है। अगर ना माने तो बेचारा क्या कह रहा होता है, बेचारा फिर जो है रो रहा होता है और रोने की मंजिलों का आगाज़ हो जाता है, और फिर जो है ना दिन हो या रात हो वो बेचारा अपना सर पकड़ के बैठा रहता है। और यही कंडीशन लड़कियों की भी होती है, सिर्फ लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कियां भी इसी कंडीशन का शिकार होती हैं, जब कोई लड़का बड़ा ही अखड़ किस्म का मिल जाए ना, जो मानता नहीं है आराम से, नाराज हो जाए और बिला बजा, तो उस बेचारे के साथ में फिर इस तरह के मामला होने शुरू हो जाते हैं। अब ये लवेरिया जो है ना ये अपने फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहा होता है, जिसमें आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं,
इस तरह से। भीगी भीगी यादें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है सपनों का साया पल को पे आया पल में हंसाया पल में रुलाया फिर भी ये कैसी कमी है तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही होती है, लड़की या लड़का दोनों में से कोई एक जो है ना अपनी अना का मसला बना के नाराज होकर बैठा होता है और वो एंटी डॉट ढूंढ रहा होता है किसी अपना डॉक्टर का, तो पता नहीं चलता किसी नई मकीम के पास चला जाता है कि ये सिचुएशन है यार, ये सिचुएशन है, मैं क्या करूँ। लड़की है तो अपने फ्रेंड के पास, लड़का है तो अपने दोस्त के पास, और वो भी माशाल्लाह से ऐसे होते हैं, आगे से ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं, तुम इसे 3 दिन बात ना करो, तुम इसे 4 दिन बात ना करो, तुम इसे हफ्ता बात ना करो। कोई आगे ऐसे होता है वो तू छोड़ दे, इग्नोर कर दे, इग्नोर कर, दफ़ा कर, तूने कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, तूने कॉल नहीं करनी, ये नहीं करनी, और इवेंचुअली मामला जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और मामला फिर ऐसे ख़राब होते हैं तो अगले एंड पे बैठा है बंदा या बंदी वो टोटल अपसेट हो के वो भी फिर डिसीजन ले लेता है कि यार फिर मैंने बहुत बड़ी लाइफ की मिस्टेक कर ली कि मैंने इस जो है ना लबेरिया वाले मच्छर को काटने दिया जिसकी वजह से मेरी नींदें उड़ गई हैं। और फिर उसकी हालत ही होती है उदास बैठी या बैठा होता है और एक दूसरे को सुना रहे होते हैं कि ये बहुत गलत डिसीजन मेरे से हुआ और जो मैंने अपने आप को लबेरिया का पेशेंट बनने दिया। Could you love for a minute and I set yourself free? Head hurts in the eyes and the head and the heart. When the two water wanna just break yourself apart. Set it down now. In the heads and the heart. When the two water wanna just break yourself apart. Set it down now. In the heads and the heart. When the two water wanna just break yourself apart. तो जी फिर अब स्टेज ये आ जाती है वो दूसरों को नसीहतें करना शुरू कर देते हैं या कर देती है कि खबरदार इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, रास्ता बहुत बुरा है, इस रास्ते में ये होता है वो होता है। जबकि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप जो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, मैंने ये ऑब्ज़र्व किए जो बातें कर रहे होते हैं ना इसमें ऐसे है वैसे, बहुत सारी दफ़ा मैंने ये देखा मोस्टली गलत वो खुद होते हैं, ब्लंडर उनके मारे होते हैं जिसका भुगत वो खुद रहे होते हैं। वो किसी न किसी स्टेज पर कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं
कि अगले बंदे की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और एक बार नहीं बार बार हर्ट करते हैं उस बात को दोहरा दोहरा कर, तो फिर अगले बंदे के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो खामोशी से साइड पे हो जाता है और फिर उसका इल्ज़ाम भी उसी पर आता है। और फिर उसके बाद जड़ा ना वो नुकरां च कंधा दे नाल बह बह के गोडियां च सिर दे दे के रोंदे रहंदे ने। कम ऑन यार, क्यों रोते हो? फिर जब मिस्टेक की है तो भुगतो ना। फिर प्यार बुरी चीज़ नहीं है, प्यार अच्छी चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, रोटी जिस तरह ज़्यादा खा लोगे तो हाजमा ख़राब ही होगा ना, कोई भी चीज़ जिसकी ओवरडोज होगी ना ख़राब हो जाएगा। अगले बंदे पर ज़्यादा चढ़ाई करोगे तो फिर मामला ख़राब ही होगा ना। कभी झुक जाओ, कभी अगले को झुका लो, खुद तो अकड़ के नहीं रहना चाहिए हर वक्त। फिर रोते रहते हैं, फिर कहते हैं जिंदगी में कोई होना ही नहीं चाहिए। पूछे यार, उसने कोई अंदर आके गुतार छेड़ दिए, तुम्हारे जो आंसू निकल आए हैं मतलब क्या? पहले भी मिलके खुद ही हंसे थे, आप भी खुद रोना है। मतलब हंसने के बहाने खुद ढूंढने होते हैं, आप अगले बंदे को नाराज होने का मौका ही ना दें, आप अगले बंदे को नाराज ही ना होने दें ना। ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि जिस पर अगला बंदा नाराज हो जाए। किसी जगह पर फीलिंग्स आ जाती हैं यार, इस वक्त अगले बंदे की ईगो हर्ट हो रही है या मैं ज़्यादा हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इस वक्त मुझे झुक जाना चाहिए। लेकिन ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आप डिसीजन गलत लेते हैं। जब आप एक डिसीजन छोटा सा गलत लेते हैं तो उसके बाद सारे मामला ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि अगर अगले बंदे या बंदी में पेशेंस है वो बर्दाश्त करके बैठेगा। एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, लेकिन कितनी देर आएगा यार, कितनी देर? बार 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 तो नहीं आता, एक टाइम आता है जब वो थक जाता है। जब वो थक जाता है ना तो वो कहते हैं सारी बेवफा होते हैं। फिर वो लड़कियों को अगर आप देखें नॉर्मली ऑब्जर्व करें तो वो यही कहती हैं सब मर्द एक जैसे होते हैं, लड़के भी यही कह रहे होते हैं, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं आज इसके साथ कल उसके साथ। लड़कियां भी यही कहती हैं सब मर्द एक जैसे होते हैं आज उसके साथ उसके साथ। वो जिसके साथ पहले था उसके साथ सिचुएशन क्या बनी, क्या बनी, क्यों बनी? सारों को बेवफा कह देते। पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, जिंदगी दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया। जिए जो हम लगे सितम, अजाब ऐसे वो दे गया। अच्छा जी, जब सिचुएशन ये होती है, आप लवेरिया के पेशेंट होते हैं जाहिर है। अच्छा ये जिस तरह मलेरिया होता है ना, ये थोड़ा सा लवेरिया जो होता है मलेरिया से दो हद आगे जाके होता है। पता क्या, मलेरिया को तो इलाज हो जाता है, डॉक्टर मिल जाता है, इलाज हो जाए फिर आप एहतियात करें दोबारा नहीं होता। लेकिन लवेरिया की बीमारी ये है कि बहुत कम केसेस होते हैं जिन्हें टोटल क्योर मिल जाए, अदरवाइज लोगों को क्योर नहीं मिलता। जिसे एक दफ़ा हो जाए ना, वो कुछ अरसा रोता है, धोता है, रातों को जागता है, जियाँ जागती है, उदास होता है। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब उसके दोस्त बैठे उसे समझा रहे होते हैं, सहेलियाँ बैठी समझा रही हैं, दफ़ा करो, छोड़ो, वो तो था ही ऐसा, गलती भी तुम्हारी हो, फिर भी तुम्हारी सहेलियाँ देखो तुम्हें हौसला दे रही होती है। इसी तरह लड़के को भी हौसले मिल रहे होते हैं, देखो तो छोड़ो, दुनिया ख़त्म तो नहीं होगी। वो एक ही लड़का थोड़ी था दुनिया में, वो एक ही लड़की थोड़ी थी, और भी थी। तो फिर उसके बहाद पता क्या हो रहा होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सोच सोच के फिर दोबारा से
ये एक साइकिल है, ये शुरू होता है, दोबारा से पूरा साइकिल शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर फीलिंग्स क्या आ रही होती हैं, फिर दोबारा से अपने सपनों के राजा को या रानी को तलाश किया जा रहा होता है, फिर इस तरह के गाने चल रहे होते हैं। सुने जरा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलिया पूछ रही है। प्यार की गलिया, बागों की कलिया, सब रंग रलिया पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। तो जनाब ये दोबारा से साइकिल उसी तरह से शुरू हो जाता है, फिर दोबारा से आपको एक नए हम सफ़र की तलाश होती है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। कंप्यूटर वाले समझते हैं इसमें जो है ना स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स की लगी होती है, जब तक स्टेटमेंट फॉल्स होती रहती है और ये वापस आती रहती है, इस पर इफ़ की कंडीशन लगी है, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती आप हर वक्त तलाश में रहते हैं कोई ऐसा मेरा हम सफ़र जिसके साथ मेरा माइंड सेट मिल जाए। जब तक वो आपको नहीं मिलता आप उसी तरह चलते रहते हैं और आपका ये ना ख़त्म होने वाला सफ़र जारी रहता है, और आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिर दूसरों को एडवाइसेस देना शुरू कर देते हैं। एडवाइसेस देते हुए आपकी फ्रेंड सहेली है या लड़का है, आप उसे एडवाइस दे रहे होते हैं कि यार ध्यान से इस रास्ते पे जाना है, प्यार का रास्ता है बड़ा खूबसूरत लेकिन इसमें लुटेरे बहुत सारे होते हैं, इस तरह से आप बता रहे होते हैं। देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। वो चली She's found the love that's real. Now her wounded heart is healed. Finally वो चली Leaving all her tears behind. Only love's on her mind. वो चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना। वो चली
तो जी अब आप एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, आप दूसरों को एडवाइसेस दे रहे होते हैं, एडवाइसेस देने के बाद साथ साथ आपका अपना क्वेस्ट भी जारी होता है, आपकी अपनी तलाश भी चल रही होती है और आप उस वक्त साथ साथ कोई ना कोई ढूंढ रहे होते हैं, आप गाने गा रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं और आपकी ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह से चलता रहता है। कोई स्टेज आती नहीं है, किसी की ज़िंदगी का सफ़र रुकता नहीं है किसी के आने या चले जाने से, लेकिन फ़र्क ये है कि जाने वाला आपकी ज़ात पर कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ जाता है कि जो आपको सारी उम्र याद रहता है। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ पर आप जाएँ आप ऐसा निशान छोड़ें कि अगर किसी को याद आए तो वो आपकी याद से मुस्कुराए, और कोशिश करें कि जहाँ पर जाएँ उसका साथ निभाएं, और कोशिश करें कि आपकी तरफ से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि अगले बंदे को बैकआउट करना पड़े, अगले बंदे को आपको छोड़ के जाना पड़े। आप जिस कदर झुक सकते हैं झुकना सीखें, क्योंकि अगर प्यार किया तो प्यार इसी का नाम है कि जो आपका है सब कुछ उसे दे दें और जो आप कर सकते हैं सब कुछ कर दें, क्योंकि जैसे प्यार कर दिया जाए फिर उसकी बुराई को भी अच्छाई जाना जाता है, फिर उसकी बुराइयों पर निगाह नहीं होती, सिर्फ उसकी अच्छाइयों को देखा जाता है और उसकी हर बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है और उसकी हर अच्छी चीज़ तो लगती ही अच्छी है, पर अपना सब कुछ उसे दिया जाता है, फिर कुछ भी रिजर्व नहीं रखा जाता। और लेकिन चूँके चुनाचे बट इफ इस तरह के वर्ड सारे निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि फिर बस वही सब कुछ होता है। So you are always ready to do anything for him or her. So लवेरिया वो बीमारी है जिसे बचा नहीं जा सकता, बचना बहुत मुश्किल है। जो बच गए उन पर मुझे हैरत है, और जो नहीं बचे और अभी तक क्वेस्ट पे हैं, ढूंढ रहे हैं, उन्हें कोई नहीं मिला, तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, विश देम वेरी गुड लक, और आई होप कि आपको उस तरह का बंदा मिल जाए कि जिस तरह का आप चाहती हैं या चाहते हैं। और लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि झुकना सीखें, झुकने वाला बड़ा होता है, अकड़ने वाला बड़ा नहीं होता। पर लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन मना लेना चाहिए। जब किसी से भी लड़ें आप तो कोशिश करें आप अपने लव वंस को मना दिया करें। और बस मेरा ख्याल है यहीं पर मुझे आप इजाज़त दें, और ये आखिरी ट्रैक है जी, यही फीलिंग्स हैं जब आपके लवेरिया दोबारा आपके सर चढ़ के बोलता है तो आप सबको सुना रहे होते हैं, दिल तो बच्चा है ना जी, है ना जी। सी या लेटर इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गई कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, पाजी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा, आए जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे, दिल सा कोई कमी ना में, अब खाओगे धोके
डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। से घबरा रहे हैं सारी जवानी, कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही ना हो। लगता है कुछ से कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी।